नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट सबमरीन को लेके, और अभी हम हमारी फ्यूचर सबमरीन के बारे में बात करने वाले हैं। एक दो दिन पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि अभी जर्मनी की तरफ से हमारे प्रोजेक्ट 75i में पार्टिसिपेट करने के बदले भारत के साथ अभी एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को साइन करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें जर्मनी की तरफ से अपनी लेटेस्ट टाइप 212 ए क्लास की सबमरीन की एक एक्सपोर्ट वेरियंट को भारत को ऑफर किया जा रहा है, जो कि भारत के पहले AIP इक्विप्ड मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन भी होने वाले हैं। लेकिन अभी इसके साथ जर्मनी की तरफ से भी एक बहुत ही खास वेपन को भारत को ऑफर करने की बात सामने आई है। अभी तक आप सभी जानते होंगे कि जो सबमरीन्स होते हैं ये अंडर वाटर वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इनमें टॉर्पिडोर सबमरीन लॉन्च्ड एंटीसिपर बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद होता है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी सबमरीन नहीं था जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद होता या फिर सर्फेस टू मिसाइल सिस्टम मौजूद होता, जिस वजह से इनको डिटेक्ट करने पर दुश्मन की एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट इनके लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन जाते थे, जबकि इनको काउंटर करने के लिए इन सबमरीन के पास खुद को डिफेंड करने के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं होता था। लेकिन अभी जर्मनी की तरफ से पहली बार सबमरीन से फायर करने के लिए एक एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया गया, जिसे अभी IDAS यानी कि इंटरैक्टिव डिफेंस एंड अटैक सिस्टम का नाम दिया गया। इसमें एक मीडियम रेंज की इन्फ्रेट सीकर वाली मिसाइल को इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि नॉर्मल टॉपिडो ट्यूब से ही फायर किया जा सकेगा, जिसे आसानी से इनको किसी भी सबमरीन में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और हर एक टॉपिडो ट्यूब में इन सर्फेस्टर मिसाइल सिस्टम की एक मैगजीन को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिसमें 4 मिसाइल मौजूद होगा और इन मिसाइल की रेंज करीब 40 किलोमीटर तक होने वाली है। अभी तक ऐसी कोई भी सिस्टम किसी भी सबमरीन में इंटीग्रेट नहीं किया गया था, लेकिन अभी जर्मनी की तरफ से इन सिस्टम को भारत को अपनी टाइप 212 ए क्लास की सबमरीन के साथ ऑफर किया जा रहा है, जिसे सबमरीन के पास दुश्मन की हेलीकॉप्टर और मैरिटाइम एयरक्राफ्ट्स को भी मार गिराने की क्षमता मौजूद होने वाला है। और इसी वजह से इसको अभी सबमरीन वॉरफेयर में एक गेम चेंजिंग वेपन भी कहा जा रहा है। अगला अपडेट एरो इंजन की तरफ से, और अभी हम जनरल इलेक्ट्रिक की 404 सीरीज की इंजन के बारे में बात करने वाले हैं, जिनको अभी तेजस में इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ दिन पहले खबर सामने आया था जिसमें ये बात बताया जा रहा था कि अभी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अपनी G404 सीरीज के इंजन की प्रोडक्शन के ऊपर एक कैप को लगा दिया गया, जिसमें साल में वो ऐसे 20 इंजन को मैन्युफैक्चर करने वाले थे, जिस वजह से कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ये क्लेम कर रहे थे कि इसकी वजह से तेजस की प्रोडक्शन पर असर पड़ सकता है, क्योंकि अभी HAL की तरफ से साल में 24 तेजस को बनाने का कायम रखा गया, और अगर जनरल इलेक्ट्रिक साल में बस 20 इंजन को बनाएगा तो हम साल में 24 तेजस को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। और तब मैंने आप सभी को ये बात बताया था कि फिलहाल हमें इस पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी तीन प्रोडक्शन लाइन को एक्टिव करने के बाद भी HAL साल में 16 तेजस को बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और अगर हम साल में 20 तेजस को भी अभी मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि 2026 से 27 तक हम साल में 20 ही तेजस को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो भी हमारे लिए सफिशियंट होने वाला है। और जब तक हम उस मार्ग को पार नहीं करते या उस मार्ग तक नहीं पहुँचते, तब तक हम जनरल इलेक्ट्रिक की इंजन प्रोडक्शन के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते कि वो कम इंजन को बना रहे हैं, जिस वजह से हम साल में 24 तेजस को मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे। और मेरी इस बात से उस दिन ज़्यादातर लोग भी सहमत थे, लेकिन अभी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इस डिबेट को ही ख़त्म करने का फैसला किया गया, क्योंकि अभी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत में अपनी G404 सीरीज के इंजन को लोकली मैन्युफैक्चर करने का फैसला किया गया, जिसमें HAL को इन्वॉल्व करने के बदले वो अभी एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी और इंडियन एयरफोर्स को इन्वॉल्व करने वाले हैं, और वो अभी भारत में अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी को सेटअप करने वाले हैं, जहां पर सिर्फ जनरल इलेक्ट्रिक की 404 सीरीज के इंजन को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, और साथ ही इसके लिए एक कंप्लीट MRO फैसिलिटी को भी यहां पे ओपन किया जाएगा, जहां पर इनकी आफ्टर सेल और सर्विस रिलेटेड सभी चीज़ों को देखा जा सकेगा। इसके अलावा ये जनरल इलेक्ट्रिक 404 सीरीज के इंजन के ग्लोबल सप्लाई चेन का भी हिस्सा बनने वाला है। अब ये फैसला जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इस वजह से लिया जा रहा है क्योंकि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल 97 तेजस MK1A को खरीदने का फैसला किया गया था, जिस वजह से जनरल इलेक्ट्रिक को अभी एडिशनल 97 इंजन के लिए भी ऑर्डर मिलने वाला है। और अगर वो भारत में इन इंजन की एक MRO फैसिलिटी को अभी नहीं बनाते हैं, तो वो आगे चल के सही टाइम पर सर्विस और इंजन ओवरऑल जैसे फैसिलिटी को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी वक्त लगेगा, जिससे कस्टमर को परेशानी होने वाली है। तो इसी वजह से वो अभी भारत में अपनी लोकल प्रोडक्शन लाइन को ओपन करने की बात करें, और साथ ही आगे चल के
हर एक एयरक्राफ्ट की सर्विस लाइफ के दौरान उसको 4 बार इंजन को बदलने की जरूरत भी पड़ने वाली है। उस समय तक अभी जितने इंजन ऑर्डर किए जा रहे हैं तो उससे लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा इंजन की ऑर्डर उनको मिल सकती है, जिस वजह से वो अभी भारत में अपनी एक लोकल प्रोडक्शन लाइन को ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं। अगला अपडेट भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टेंडर के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी एग्जिस्टिंग N-32 एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करने के लिए करीब 60 से 80 के आसपास मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया। अब इसमें एक दिन पहले ही लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अपनी C-130J सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट को लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ भारत को ऑफर किया गया था। इसके बाद आज पता चला कि अभी एम्ब्रेयर की तरफ से भी भारत की महिंद्रा डिफेंस के साथ टाई अप करके एक नई कंपनी को फॉर्म किया जाने वाला है, जहां पर आगे चल के लोकली एम्ब्रेयर की C-390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। सबसे पहले 2019 में इस एयरक्राफ्ट को ब्राजील की एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था, और उसके बाद 2023 में पोर्तुगल की तरफ से भी इसको एक्वायर किया गया था, और अभी तक ब्राजील की एयरफोर्स में इस एयरक्राफ्ट की सर्विस अवेलेबिलिटी रेट को 99% से बेहतर पाया गया, जो कि किसी भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ही बड़ी बात है। अभी इसको पोर्तुगल और ब्राजील के अलावा हंगरी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक जैसे देश की तरफ से भी खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है, और सेम एयरक्राफ्ट को अभी भारत की MTA टेंडर में भी ऑफर किया गया। लेकिन फर्क इतना होगा कि अगर अभी इसको भारत खरीदता है तो इस एयरक्राफ्ट को आगे चल के भारत में लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये एक मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है, जो कि 26 टन के आसपास पेलोड को कैरी कर सकता है, और ये इंडियन एयरफोर्स की टेंडर की रूल के अंदर भी आता है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट को कार्गो और ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन करने के अलावा मेडिकल इवैक्यूएशन, सर्च एंड रेस्क्यू और जरूरत पड़ने पर एक MRTT यानी कि मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की एक्चुअल रिक्वायरमेंट भी है। तो इसी वजह से अभी इस टेंडर के अंदर C-390 को एक बहुत ही बड़ा कंटेंडर माना जा रहा है। अगला अपडेट ड्रोन्स को लेके है। कुछ दिन पहले ही इंडियन आर्मी की तरफ से एक स्टेटमेंट में बात बताया गया था कि वो अभी ऐसे ड्रोन को एक्वायर करना चाहते हैं जो कि हैवी पेलोड को कैरी कर पाएगा, और इन ड्रोन्स को खास करके कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लॉजिस्टिक सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वर्तमान आर्मी के पास जो ड्रोन मौजूद हैं उनकी जो नॉर्मल पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 15 kg से लेकर 50 kg तक है, जिस वजह से हम चाहकर भी इसमें ज़्यादा पेलोड को कैरी नहीं कर सकते और लॉजिस्टिक सप्लाई नहीं कर सकते। पर अभी आर्मी की तरफ से इसी कैटेगरी में कुछ और ऐसे ड्रोन को खरीदने का प्लान किया गया था जिनकी पेलोड कैरी कैपेसिटी 100 kg के ऊपर होना चाहिए था, जिस वजह से हम एक ही बार में ज़्यादा लोडआउट को कैरी कर पाएंगे, लॉजिस्टिक को सप्लाई कर पाएंगे। और इसी बात को लेकर आर्मी की तरफ से DRDO के साथ और कुछ इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ भी बातचीत करना शुरू किया जा चुका है। अभी पता चला है कि एक इंडियन स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम रेंज एरो है वो अभी इसी सेगमेंट के अंदर एक ड्रोन को लॉन्च कर चुके हैं। ये एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है जिनकी तरफ से भी एक शॉर्ट हॉल लॉजिस्टिक ड्रोन को डेवलप किया गया। इस ड्रोन का नाम जेस्टर है और ये एक बार में करीब 150 kg तक की पेलोड को कैरी कर सकता है, और इसका रेंज भी लगभग 200 किलोमीटर तक है, जिस वजह से इसे वाइड रेंज की मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे वो फुली ऑटोनोमस मोड में या फिर मैनुअल मोड में या ह्यूमन मोड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसे लॉजिस्टिक सप्लाई करने के अलावा हम चाहें तो सर्वेलेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी हायर पेलोड कैरिंग कैपेसिटी की वजह से इसमें एक वाइड रेंज की सर्वेलेंस इक्विपमेंट को भी बहुत ही आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिस वजह से हम इसको मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।